गया खाना हो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल कैसे है भाई सब लोग गुड इवनिंग ऑल गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई कैसे हो सब लोग हाँ गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग बच्चों और भाई कैसे हो सब लोग बढ़िया I think we in madam laptop there is problem प्रॉब्लम <laughs> मतलब मतलब <laughs> ऐसे कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे हम्म <laughs> hmm. क्या है भाई मुझे भी इसका मतलब समझा दो यार कि क्या मतलब है इसका <laughs> गुड इवनिंग मीनू भाई अभिषेक पाठक गुड इवनिंग बेटा गुड इवनिंग कैसे हो भाई सब लोग बढ़िया हो ना मस्त मजे में हो चलो बहुत बढ़िया देखिए कौन 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 आ गया है डॉक्टर गरिमा चौधरी मैम इतना जल्दी हाँ यार मैम आप लेट हो आई एम सो सॉरी आई एम सो सॉरी उठक बैठक लगा दूं क्या चलो ठीक है अरे बहुत थक जाती हूँ यार सुबह से इतने सेशंस होते हैं बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक सो और नौ बजे सेशन से पहले तो ऐसा हो जाता है भाई थोड़ा थोड़ा टाइम चेंज हुआ है ना तो ऐसा हो जाता है कि ओ... <laughs> तो ऐसा है ना तो थकना इज रियल दैट आई कैन सी सो मैं सुबह ग्यारह बजे से सेशन लेना शुरू होती हूँ फिर सेशन फिर थोड़ा सा ब्रेक फिर सेशन फिर थोड़ा सा ब्रेक फिर इसलिए अभी फिर मुस्कुराते मुस्कुराते आप सब बातें भी करनी पड़ती हैं ठीक है थीके? तो ये भी सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है ना अच्छा चलो फिर और बताओ तुमने तो तुम्हें सूफानी किया कि नहीं किया मैम बॉटनी का भी हाईलाइट्स होगा हाँ होगा होगा मैम ले लेगी मैम अभी तो नींद आ रही है नहीं नींद तो नहीं आनी चाहिए ना बेटर यू टेक अ नैप मैं पता कैसे नैप लेती हूँ तुम प, स, पता करना है एक्चुअली क्या होता है मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो मैं पता क्या करती हूँ बट मुझ मुझे पता है कि मेरा नैप इतना ही लंबा होगा मैं क्या करती हूँ थोड़ी देर के लिए ना सो जाती हूँ और मैं सच ही कह रही हूँ मुझे खाली बीस मिनट की नींद आती है वो पावर नैप तो की तरह काम करता है मेरे लिए बट पता है मेरी मेरी बॉडी ने इस हिसाब से सेट कर लिया इस चीज़ को अगर तुम्हारे लिए भी सेट कर लेना मैं सच बता रही बहुत बढ़िया चीज है ये समटाइम्स हाँ sometimes ही मतलब यू जस्ट आई यू जस्ट टू टायर्ड एंड तुम मैसे बैठो और बीस मिनट का पावर नैप एंड फ्रेश यू अगेन कर सकते हो करके देखना ऐसा हाँ? करके देखना मैं तो किया मैंने तो मैं आप मैंने अभी भी किया क्लास से पहले दो फोर्टी मिनट का नींद तो हो दे, 20 minutes, हाँ. चलो अच्छा हाँ क्या कुछ सुफानी किया तुमने हाँ ठीक है जल्दी 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 चलो 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 सबसे पहले सबके लिए तालियां भाई क्या बात है क्या बात है हाउ आर यू मैम दीपू मैं ठीक हूँ तो कैसी है भाई डॉक्टर आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए <laughs> गरिमा चौधरी क्या लिख रही है बेटा तू यार भी कर रहा है यहाँ पे आर्यन भूल के मैम लेव फ्रॉम वेस्ट बंगाल दीप माला यार बहुत दिन हो बताओ ना तुम कौन कौन से शहर से अभी देख रहे हो मुझे सो देखें मीडियम की क्लासेस बेटा ये मैम कैसे कर लेते हो आप यार पता नहीं हो जाता है खुद ही मैम लेव फ्रॉम वेस्ट बंगाल दीप मालया ठीक है यार अच्छा बाकी और कौन 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 से गायनेकोलॉजिस्ट अरे वाह महाराष्ट्र तमिलनाडु देहरादून से आर्यन राठी कानपुर से नीलोफर और कौन कौन और कौन 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 कहाँ से है महाराष्ट्र से है आंध्र प्रदेश से हैदराबाद तमिलनाडु उड़ीसा राजस्थान लव फ्रॉम पटना लव फ्रॉम डेली. Okay. डेली टू राजस्थान नागपुर महाराष्ट्र दिल्ली हरियाणा बिहार बंगाल पंजाब उत्तर प्रदेश जम्मू क्या बात है वही क्या बात है गोरखपुर आसाम हाँ लव फ्रॉम गुजरात ओ माई गॉड तो सो सो मैनी सो आई फील सो हैप्पी टू सी यू ऑल फ्राम दल ओवर दिटीज थैंक यू सो मच गाय थैंक यू सो मच बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो चलो अभी टाइम भी वेस्ट करते ज़्यादा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जुड़ने के लिए बेटा लाइव जुड़ने के लिए आई हैव अवज रिस्पेक्ट फॉर द फॉर द स्टूडेंट्स एक्चुअली जॉइन अस लाइव क्योंकि ये आपकी डेडिकेशन को शो करता है कि हाउ मच यू रियली वॉन्ट टू अचीव योर गोल है ना लाइव इंटरेक्शन का एक अलग ही मजा होता है मैंने भी एक देखा है है ना लाइव देखने का तो चलो यार स्टार्ट करते हैं शुरू करें फिर चलो तो अपने अपनी अटेंडेंस लगा, लगा देना ठीक है अपनी अटेंडेंस को लगा देना ठीक है तो आपके आपसे मुझे इस सेशन के लिए खाली दो चीजें चाहिए है एक आपकी एनसीआर की बुक इलेवेंथ uh, क्लास की आपकी एनसीआर की बुक चाहिए है मुझे और प्लस आपकी एक खाली पेपर चाहिए और पेन या पेंसिल दैट्स इट इतना चाहिए बस अभी आपका काम हो जाएगा ठीक है चले और आपके दिमाग की प्रेजेंस चाहिए हाँ सो so, अगर आप चैनल पे नए हो फट बिटा तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ठीक है आज मैं टेलीग्राम पे डालना भूल गई मैसेज बट यूजली मैं टेलीग्राम पे मैसेज डालती हूँ आपको हैंड रिटन नोट सारे इसी पे मिलते हैं ठीक है

बॉडी फ्लूड एंड सर्क्यूलेशन अब आज हमारा लेक्चर नंबर थ्री है इसका आज हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो ये नहीं होता है तो अगली में अगले लेक्चर में इसको पूरा कंप्लीट करके इसमें क्वेश्चन भी सॉल्व कर डालेंगे ठीक है चलो तो भाई वॉरियर पोज आ जाओ पढ़ना है अभी हमने है ना पढ़ना है तो आ जाओ पढ़ना है आगे बढ़ना है कुछ करना है तो आ जाओ चलो आ जाओ कमल आए पेन कहा गया हमारा चलो चलो भाई बेटा आ जाओ सो so, निकालिए बेटा आपका लिम्फ आज हम लोग शुरुआत करेंगे बेटा लिम्फ से ठीक है अच्छा शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और <coughs> सुनो yes no में जवाब देना है आस को लिम्फ ऑल्सो हैव आर बी सीस यस नो क्विकली लिम्फ जो है, लिम्फ होता क्या है बाद में देखते हैं बट लिम्फ में आरबीसी भी होते हैं यस और नो कम कमान कमान शाबाश, क्या लिखते हैं बहुत सारे मैम, हैं नो वैष्णवी नो निखिल है यस लेस नो नहीं नहीं, 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 सो 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 तो सबसे बड़ी बात यह है बेटा आपका जो लिम्फ है आपकी एनसीईआरटी की, की देखिए ये वाली लाइन लिखी हुई है लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स अगर यहां पे इसको कलरलेस लिखा हुआ है डू यू थिंक कि इसमें आरबीसीज होंगे रेड ब्लड सेल अगर लिखा ही कलरलेस है तो रेड ब्लड सेल्स कहां से लिख रहे हो उसमें कॉमन वाली बात हुई ना इट हैज नो आरबीसीज लिम्फ में कोई भी आरबीसी नहीं होते हैं आपका प्रीवियस का क्वेश्चन है ये नो आरबीसी बट डब्ल्यू एंड प्लेटलेट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं तो डब्ल्यू प्रेजेंट होते हैं आप देख ही रहे हो डब्ल्यू बीसी का डब्ल्यू बीसी में क्या लिखा है लिम्फू लिखा है समझ में आ गया सबको डन हां तो ये हो गया लिंफ इज अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग द स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट तो एक हमारा चीज यहाँ पे क्लियर हो गई तो देखिए बेटा यहां तक ना एक्चुअली पूरी इसकी कहानी ही लिखी है कि लिम्फ एक्चुअली होता क्या है और यहां से आपको क्वेश्चन आने की वैसे थोड़े कम ही चांसेस है क्वेश्चन आपको इसी यहां से लेके यहां तक में ही आएगा तो लिम्फ होता क्या है आप ये देखें बेटा बहुत ही आसान चीज है जैसे ये आपकी आर्टरी है ठीक है ना और ये मान लेते हैं आपकी वेन है ठीक है और बीच में आपकी दोनों ही ये है आपके कैपलरी नेटवर्क है मान लेते हैं राइट तो ये आपका आर्टरी है ये वाली आर्टरी है और ये है वेन और ये है आपकी कैपिलरीज अब होता क्या है कि यहां से कुछ एक ब्लड जो है यहां पे लीक हो जाता है इन द इंटस्टिशियम इंटस्टिशियम होता है ना कि जहां पे कोई भी ब्लड वेसल नहीं है वहां पे लीक हो जाता है तो यहां पे बेटा कोई ऐसे टिश्यूज होते हैं जहां पे डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होती है जब डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होगी उसको तो उसको ऑक्सीजन कौन देगा उससे नाइट्रोजन वेस्ट कौन लेगा तो ये काम आ जाता है इस का, जो कि आर्टेरियल एंड से जाके लीक होता है कैविटी में। अब यहां पे क्या होता है इसने इसको ऑक्सीजन दिया ग्लूकोज दिया कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और ये जो होता है मैक्सिमम अमाउंट जो है बेटा वो वीनस एंड पे आके मिल जाता है लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट है 10% परसेंट ऑफ दिस इंटस्टिशल फ्लूड आई एफ लिख रही हूं मैं इसको इंटस्टिशल फ्लूड बेटा रिमेन्स हेयर अब ये तो प्रॉब्लम है अब इसको बेटा क्या होना है अब इसके लिए हमारा एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं जब ये इंटस्टिशल फ्लूड है ना बेटा इस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर में चला जाता है तब हम इसको कहते हैं कि ये लिम्फ है डिड यू गेट दैट लिम्फेटिक वेसल्स में चला गया तब हम इसको बोलते हैं कि ये लिम्फ है समझ में आ गया सबको डन है किस को समझ में आया हाँ टेन परसेंट नहीं हो पाता नहीं हो पाता टेन परसेंट है ना आपका जैसे सिलेबस कंप्लीट होने को होगा अभी लेकिन फिर भी इतना क्यों बच गया आपको तो कितने साल से पता है है ना दो साल से पता है कि दो साल बाद नीट है

फिर इसके लिए एक इलेबोरेटिव नेटवर्क होता है जो यहां मैंने आपको ग्रीन कलर से बनाया इसको कहते हैं लिम्फेटिक वेसल्स ठीक है हाँ, चलो जोक था ये तो मैन के जोक ऐसे ही होते हैं टीचर वाले जोक होते हैं तो यही वाले जोक होते हैं वापस आओ हाँ इसको तुम अच्छे से पढ़ लेना ये मैंने आपको बता दिया ऑल्सो लिम्फ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिय हॉर्मोन्स ठीक है ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये फैट्स आर एब्सॉर्ब थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियल प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल विलाय जो आपके कैपिलरीज हैं इसमें ग्लूकोज और अमीनो एसिड जो है वो एब्सॉर्ब होते हैं लेकिन आपके फैट्स लिम्फेटिक वेसल जिसका नाम है लैक्टियल उसमें एब्सॉर्ब होते हैं बेटा इसको लिख लो इसको अलग से लिख लो अलग से लिख लो इसको ठीक है डन है एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे लिम्फ हैज मोर प्रोटीन्स एन प्लाज्मा और लेस प्रोटीन्स एन प्लाज्मा मोर और लेस हाँ वैष्णव भी बहुत बढ़िया आप अगला क्वेश्चन पूछो यहां पे लिखा नहीं हुआ है लेकिन क्वेश्चन आया था पेपर में हाँ मोर और लेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिम्फ हैज मोर प्रोटीन्स और लेस प्रोटीन्स देन प्लाज्मा प्लाज्मा में आपको है ना कि तीन तरह के मेन प्रोटीन होते हैं मोर स होते हैं और लेस प्रोटीन्स होते हैं चलो शाबाश जल्दी बता दो एंड करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज लेस प्रोटीन्स क्या होते हैं बेटा लेस प्रोटीन्स होते हैं लेस लेस होते हैं राइट यस 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 स्मॉलर प्रोटीन्स हाँ चलो चलो बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया स्मॉलर प्रोटीन स्मॉलर नहीं बेटा लेसर लेसर स्मॉलर थोड़ी होता है एक तो एक तो अंग्रेजी भी तो इतनी सॉलिड है क्या करें मैम की भी तो आ, आ, और क्या लिम्फ हैज लेस प्रोटीन देन प्लाज्मा ठीक है ना लिम्फ के पास बेटा लेस प्रोटीन होते हैं देन प्लाज्मा हाँ राइट अच्छा लिम्फ एंड एक और चीज नोट कर लो लिम्फ इज ऑल्सो नोन एज द मिडल मैन ऑफ द बॉडी मिडल मैन ऑफ द बॉडी मिडल मैन मतलब टिश्यूज और ब्लड के बीच में वो मिडलमैन की तरह काम करता है ठीक है चलो अब आते हैं बेटा सर्क्यूलेटरी सिस्टम पे सर्क्यूलेटरी कहानी जानते हैं और सिस्टम की कहानी जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा एनिमल किंगडम की तरफ सो so, इसी बात पे मुझे क्वेश्चन याद आता है विच वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म और फाइलम टू हैव क्लोज्ड सर्क्यूलेटरी सिस्टम शाबाश मुझे ये बताएंगे बेटा कौन सा जो था फाइलम या ऑर्गेनिज्म जो सबसे पहला था जिसमें कि सर्कुलेटरी सिस्टम आया शाबाश एंड गरिमा ने सबसे पहले आंसर दिया है वेरी गुड किंग नवाज शुभम के बादल एनी लीडा इज एप्सोल्यूटली द करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया एनी इज एप्सोल्यूटली द करेक्ट आंसर सो एनी में बेटा अर्थफॉर्म ऐसा पहला ऑर्गेनिज्म था जिसमें कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार आया राइट right? चलिए तो हम इस पैराग्राफ से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि देखिए बेटा जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये जो हो सकता है वो दो तरीके का हो सकता है एक होता है आपका ओपन और एक होता है आपका क्लोज्ड आपको ओपन के भी कुछ एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए आपको क्लोज के भी कुछ एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए ठीक है और खास करके वो जो आपकी एनसीआरटी में दिए हैं ओपन होता है विदाउट ब्लड वेसल्स विदाउट ब्लड वेसल्स बेटा ठीक है और है विद ब्लड वेसल्स ठीक है कौन सा था और्गानिज्म? First और्गानिज्म था बेटा आपका ठीक है और इसके अलावा आपकी एनसीआर लिखती है में और अर्थवॉर्म एनिलिड्स में आपका जो है बेटा वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ठीक है हाँ जी तो और बाकी आपके इनवर्टिब्रेट में आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो यहां पे देख सकते हो आप यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन इज प्रेजेंट इन एंड मोलस्क देखो एनसीआरटी की डायरेक्ट लाइन है तो आपको पता होना चाहिए ये ठीक है इन विच ब्लड इज पंप्ड थ्रू द लार्ज वेसल्स इन टू द ओपन स्पेसिस एनिलिट्स एंड द कोट्स क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड पंपड बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स समझ में आ गया बेटा डन है बहुत बढ़िया नाउ दिस पैटर्न इज टू बी मोर एडवांटेजियस एज द फ्लो ऑफ एडवांटेज वुड बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड कहता है ओपन ज्यादा अच्छा है या क्लोज ज्यादा अच्छा है तो कह रहा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोर बेटर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ज्यादा अच्छा है और ओपन इतना अच्छा नहीं है ठीक है अब थोड़ा सा एग्जैक्टली exactly है ना ये पता होना चाहिए लासन ये बोलती है कि ओपन जो इतना बढ़िया नहीं है लेकिन क्लोज ज्यादा बढ़िया है अच्छा ठीक है मान लेते हैं अच्छा क्विक क्विक राउंड ना देखते हैं कि तुम्हे को कितना आता है हाउ मेनी चैम्बर्स चेम्बर्स फिश हार्ट फिश के हार्ट में कितने चैंबर्स होते हैं जल्दी जल्दी जल्द बोलते जाना फिर अगर तुम्हें आता होगा ऑलरेडी तो फिर हम आगे निकलेंगे हाँ हाँ शाबाश 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 हाउ मेनी चेंस देर इन द फिश हार्ट टू चैम्बर्स बहुत बढ़िया आपने मुझे बोला कि फिश के हार्ट में दो चैम्बर्स है राइट एक ऑरिकल और, हाँ, हाँ, और एक वेंट्रिकल बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक है हाउ मेनी हा हा ठीक है दो चैंबर्स है फिश के हार्ट में ऑरिकल एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल फिश के हार्ट को वीनस हार्ट कहते हैं क्योंकि उसमें हमेशा ही डी ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है ठीक है बेटा। दूसरी और, चलते हैं और देखते हैं हमारा रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस में हाउ मेनी चैम्बर्स आर देर रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में बेटा कितने चैम्बर्स हैं फोर नहीं है फोर गलत आंसर है वेरी गुड अभिषेक दीपाली मोसरत वेरी गुड थ्री चैम्बर्स रेप्टाइल्स में और

बट वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन दो बट वेरी वन ऑफ द एक्सामिन प्लीज नोट इट डाउन है ना क्रोकोडाइल आपका जो मगरवच है बेटा उसका जो है हार्ट चार चैम्बर का होता है एंड वट अबाउट द एव एंड मैम What about the and में और में कितने चैम्बर्स होते हैं हार्ट के आई थिंक एवरीबडी ऑफ फर्ट नोज़ नोज़ दिस होते हैं बहुत ही बढ़िया चार चैम्बर होते हैं इसमें ठीक है एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हुए डायफ्राम जो होता है डाइफ्राम आपको क्या लगता है डाइफ्राम एव्ज में भी प्रेजेंट होता है कि डाइफ्राम सिर्फ आपका मैमिलिन कैरेक्टर है डायफ्राम आपका मैमिलिन uh, कैरेक्टर है या प्रेजेंट होता है डायफ्राम क्या बात है वेरी गुड वेरी गुड यस डाइफ्राम इज ओनली प्रेजेंट इन मैमिल्स डायफ्राम है ना डायफ्राम जो होता है बेटा आपका जिसके ऊपर यू नो पोजीशन ऑफ द हार्ट इज बिटवीन द टू लंग्स दोनों लंग्स के बीच में आपका हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है और दोनों लंग्स जो होते हैं हमारे ऑन डायफ्राम बट इट इज इन याद रखना इस बात को ठीक है ये सिर्फ नामिलियन कैरेक्टर है ठीक है बेटा अच्छा एक और बात है बेटा अगर हम लोग फिश की बात करें आपने कहा फिश जो सारा पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि टू चेंबर्ड हार्ट है मैंने मान लिया But, अगर मैं आपको ये पूछूं कि बेटा इसकी सिंगल सर्कुलेशन हुई है डबल सर्कुलेशन होगी तो बेटा इसकी क्या होगी आपकी खाली सिंगल सर्कुलेशन सर्कुलेशन होगी क्यों सिंगल सर्क्यू क्योंकि हार्ट में ब्लड एक ही बार आता है ठीक है और सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ठीक है है ना जब गिल्स के पास जाता है गिल्स में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं वहां से ऑक्सीजन ऐड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकल जाता है और वहीं से ब्लड जो है बॉडी पार्ट्स में चला जाता है ठीक है फिर बॉडी पार्ट से हार्ट में आता है फिश के हार्ट में फिर हार्ट से गिल्स में पहुंचता है ऐसा ठीक है चलिए उसके बाद में अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग रेप्टाइल्स की जो नॉर्मल रेप्टाइल्स हैं और एम्फीबियंस हैं जिनका बेटा थ्री चेम्बर्ड हार्ट है तो उसका जो शेप है कुछ इस तरीके से होगा ठीक है तो ये होगा उसका शेप है ना आपका राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम लेकिन आपका वेंट्रिकल एक ही है इनकम्प्लीट सर्कुलेशन है ना हाँ इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन एक्चुअली सिंगल सर्कुलेशन इनकम्प्लीट सर्कुलेशन यहां लिखा हुआ है इनकम्प्लीट सर्कुलेशन है ना ये देखो यहां पे सिंगल सर्कुलेशन लिखा है ये फिश के लिए हो गया ठीक है ना वैसे इन दोनों के लिए भी होगा और इनके लिए बेटा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है इसको हाईलाइट कर लो ठीक है इनकम्प्लीट अरे इनको जरूरत ही नहीं है क्यों कोई मुझे बता सकता है कि इनका जो ऑक्सीजनेटेड प्लस डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना बेटा यहां पे मिक्स रहता है हालांकि यहां पे इसका अलग है यहां डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसका यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेकिन यहाँ हो जाता है ऐसा क्यों है इनको जरूरत क्यों नहीं है कौन एजेंट बच्चा मुझे बता देगा ये आधे डॉक्टरी के उसमें वो पहले ही पा पास हो गया फिर हम्म ऐसा क्या है इनमें इनकी बॉडी में कि इनको जरूरत नहीं है ऑक्सीडेंट ब्लड की प्योर ऑक्सीडेंड ब्लड कैन सर्वाइव प्योर ऑक्सीजन लाइक प्योर ब्लड विद ऑक्सीजन ब्लड एक्वेटिक है नो एनर्जी नीड्स कम है हाँ आई एग्री बट वाय हमें ऐसा क्या हो गया जो इनको इनमें ऐसा नहीं था गिल्स नहीं एक्वाटिक भी नहीं स्किन रेस्पिरेशन भी नहीं चल 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 चलो बताओ सब लोग नहीं गरिमा स्किन रेस्पिरेशन ना ना एक्वाटिक भी नहीं बताओ बताओ सोचो दिमाग लगाओ थोड़ा ऑक्सीजन कम लगता है क्यों लगता है ऑक्सीजन कम वही तो पूछ रही हूं हाँ। हमें ऑक्सीजन जरूरी है <laughs> अरे वाह बा, क्या बात है ये कौन है भाई बेनी यूंग आई एम सो सॉरी आई कैन नॉट प्रोनाउंस योर नेम इन इन राइट वे आई एम रियली सॉरी काया वैष्णवी बहुत बढ़िया

अब सोचो बाहर 11 डिग्री है तो ऐसा थोड़ी कि हमारे अंदर भी 11 डिग्री हो जाता है नहीं नहीं हमारे में तो 37.5 डिग्री सेल्सियस ही रहता है भाई होता है ना तभी तो आपको सर्दियों में ज्यादा भूख लगती है बिकॉज योर बॉडी नीड्स मोर फूड मोर एनर्जी टू मेंटेन द कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट राइट बिकॉज वी आर वॉर्म ब्लडेड एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड इसलिए इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है इनको इतना खासा फर्क नहीं पड़ता है ठीक है तो ऑक्सीजन की जरूरत आप कह सकते हो कि इनको थोड़ा हमसे कम है इनको बॉडी टेम्परेचर नहीं करना ठीक है तो चलिए अब यहां पे सारी यही कहानी लिखी हुई है बाकी इसमें हमारे बारे में बताया बाद में कि मैमल्स में ऐसा क्यों होता है ऑक्सी मैं आपको ऑलरेडी बता दिया ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीटेड क्लियर कट डिविजन होता है वाई बिकॉज वी आर वॉर्म ब्लडेड होमियोथर्म्स हम लोग हैं होमियोथर्म्स ये लोग हैं पॉइकिलोथर्म्स दैट इज वाई वेंट्रिकल्स पंप आउट विदाउट एनी मिक्सिंग अप प्रॉपर डिविजन ऑफ द डी ऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड एंड वी हैव द कंप्लीट डबल सर्क्यूलेशन इज पल्मोनरी वन इज सिस्टमिक एक पल्मरी सर्कुलेशन है एक सिस्टमिक सर्कुलेशन है हमारी कंप्लीटली जो है वो डबल सर्कुलेशन है ठीक है डन है आगे चले चलो चलो बहुत बढ़िया आगे चलते हैं मेरा रिमोट कहा गया चलो कल सबने आ जाना है कल आपका पी वाई क्यूज का टेस्ट है पी वाई क्यूज का टेस्ट है आपका भी कल किसका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के लास्ट पंद्रह साल के ठीक है तो क्रैश कोर्स में कल क्वेश्चन आंसर रिवीजन है सबने आ जाना सबने ठीक है हाँ नौ बजे ठीक पहुंच जाना यहाँ पे तैयारी करके आना और पहले से तैयारी करके आना हम्म ठीक है डन अच्छा ठीक है हाँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की कल

और फिजियोलॉजी में से कम से कम तुम्हें 12 या 13 क्वेश्चन आएंगे ह्यूमन हेल्थ एंड से भी कम से कम तुम्हें, तुम्हें चार से पांच क्वेश्चन आ जाएंगे लेकिन एवोल्यूशन से कितने आएंगे दो क्वेश्चन अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको नहीं पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे बट अपने टाइम से ठीक है डन है ना मेंटी कोशिश पूरी करेंगे कि मेंटी हो जाए चलो आप अभी चलते हैं बेटा अब नाउ लेट जस्ट टॉक अबाउट अ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम अब मैंने आपको पहले ही बताया था चलो कौन मोर इंटेलिजेंट बच्चा मुझे लिख के बताओ जरा चैट बॉक्स में सर्कुलेटरी सिस्टम के अगर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की हम लोग बात करते हैं तो कितने कंपोनेंट्स हैं इसके तीन कंपोनेंट्स हैं कौन-कौन से बताएं जरा कितने कंपोनेंट्स हैं कितने कंपोनेंट्स हैं तीन कंपोनेंट्स मैंने बता दिए कौन-कौन से जरा लिखो यहां पे मैं भी लिखती हूं शाबाश हुँ. राइट ब्लड वेसल्स हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन मतलब बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है कुछ तो क्या सर्कुलेट हो रहा है ब्लड ब्लड को सर्कुलेट होने के लिए कोई तो वेसल चाहिए तो आपके आर्टरीज एंड कैपिलरीज, ठीक है और एक पंपिंग ऑर्गन भी चाहिए मशीन भी तो चाहिए जो पंप कर रही है हार्ट हार्ट हमारा एक्चुअली पंपिंग ऑर्गन है है ना दिल को पता नहीं किस किस चीजें जोड़ दिया है, है ना आ? दो दिल मिल रहे हैं दिल, वट एवर विचारे उसका काम कुछ नहीं है काम तो खाली सारा ब्रेन का खेल है बट एनी चलो देखते हैं इसका भी कैसे रिलेटेड है ये हाँ चलो ठीक है ठीक है तो ये है हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हाँ बॉलीवुड वालों ने बदनाम किया है क्या कर सकते हैं हम कुछ नहीं कर सकते है ना चलो एनी तो बेटा सबसे मैं यहाँ पे अब आपको टिक, कुछ टिक करवाऊंगी लाइनें जो कि आप यहीं पे एक्चुअल में हाईलाइट करने वाली हैं तो फटाफट फड़ा से इसको हाईलाइट करना हार्ट जो है बेटा वो डिराइव्ड है मीजोडर्मल एंडो नहीं मीजो याद रखना इस बात को तो इसको में आपकी जगह होती है उसको तो हाईलाइट कर लेती है थोरासिक कैविटी के बीच में लोकेटेड है बिटवीन द टू लंग्स मीडियास्टिनम इसको कहते हैं मीडियास्टिनम याद है ना लेफ्ट हार्ट लेफ्ट लंग में एक नॉच होती है जिसको हम कार्डियक नॉच कहते हैं उसमें फिट होता है द पेरिकार्डियल फ्लूइड अब आप यहां पे कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखोगे मेरे साथ में क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है एक्स्ट्रा क्या है वॉल्स ऑफ हार्ट एक फ्लो चार्ट बनाना है आपने वॉल्स ऑफ हार्ट हार्ट की वॉल्स बेटा तीन हिस्से में डिवाइडेड हैं ध्यान दीजिए पहली है आपकी पेरिकार्डियम जो यहां पे लिखी हुई है पेरिकार्डियम ठीक है ये आपकी सबसे पहली है दूसरी और है आपका मायोकार्डियम ये आपने लिखना है अभी मायोकार्डियम और सबसे अंदर वाली है बेटा आपकी एंडोकार्डियम एंडोकार्डियम ठीक है तो ये आपकी तीन लेयर्स हैं, राइट? अब जो पेरिकार्डियम है ये फर्दर डिवाइडेड है दो हिस्से में आपकी आउटर या पेराइटल पेरिकार्डियम पेराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है एंड विजरल और इनर पेरिकार्डियम ठीक है अब इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या कहते हैं बेटा पेरिकार्डियल फ्लूड कहते हैं आप बच्चे मे, मेरे बात को हमेशा याद रखना नो मैटर हाउ यू नो विजरल द ऑर्गन इज अंदर जितना भी अंदर प्रेजेंट है हाउ वाइटल द ऑर्गन इज उसके पास में हमेशा फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा क्यों उसको कुशनिंग देने के लिए उसको जर्क से बचाने के लिए राइट एंड ऑल्सो इट हैज अनादर न्यूट्रिशन देना ये देना वो देना दैट इज ऑल्सो देर सो पेरी हो गई ये मायोकार्डियम जो है आपकी अब क्वेश्चन आया था मायोकार्डियम पे ठीक है हाँ, मायोकार्डियम पे क्वेश्चन uh, आया था बेटा अब ये क्वेश्चन क्या था कि क्या मायोकार्डियम ऑल ओवर द हार्ट एक जैसी होती है या डिफरेंट होती है या आउट ऑफ द थ्री वॉल्स ऑफ द हार्ट कौन सी इरेग्यूलर होती है तो ये पूरे हार्ट पे एक जैसी थिकनेस होती है एंडोकार्डियम पूरे हार्ट पे एक जैसी थिकनेस होती है लेकिन मायोकार्डियम की थिकनेस डिफरेंट होती है है हाँ ना? अगर देखें अगर इसको एट्रिया पे देखें बेटा तो एट्रिया पे ये होती है थिन, समझ आ गया? लेकिन अगर इसको हम लोग वेंट्रिकल्स पे देखते हैं बेटा तो वेंट्रिकल्स पे मायोकार्डियम हो जाती है थिक तो यही इसी पे क्वेश्चन आया हुआ था आपको समझ में आ गया सबको एट्रिया अगर एट्रियम पे देखें बेटा तो ये आपकी थिन होगी लेकिन वेंट्रिकल्स पे देखें तो ये थिक होगी ट दैट सबको समझ में आ गया ये डन मायोकार्डियम आउट ऑफ द थ्री वॉल्स ऑफ द हार्ट सबसे ज्यादा इरेग्युलर या सबसे ज्यादा क्या इरेग्युलर कौन सी है मायोकार्डियम फुल स्टॉप ठीक है आगे बढ़ जाओ थिकनेस कहां ज्यादा है वेंट्रिकल ऑफकोर्स इट हैजेंट्रिकल क्यों वेंट्रिकल को ब्लड पुश आउट करना है हार्ट से बाहर आर्टरीज की थीन होगी क्यों उसको हार्ट के अंदर ही ब्लड पुश करना है एट्रिया और ठीक है तो यहां से आपकी ये चीज जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए ठीक है ये डन हो ऐसा करते हैं पहले डायग्राम पे चलते हैं डायग्राम है हाँ. देखते हैं इसका डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि डायग्राम में कुछ चीजें ऐड करनी है तो आओ इसमें ऐड करते हैं ठीक है तो ये है आपका हार्ट ह्यूमन हार्ट NCRT का ही हार्ट है ये। और इसमें अगर आप तुम देखो तो इसमें ठीक है डन तो हो गया अब इसमें बेटा ये क्या कहता है कि ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है जो कि जा रही है लंग्स में और ये पल्मोनरी वेन्स हैं जो कि लंग्स से आ रही हैं करेक्ट है ठीक है ये है आपकी विना कावा तो इसको तुम लिख लो ये है आपकी सुपीरियर विना कावा ठीक है ये रही आपकी इंफीरियर विना कावा इंफीरियर वेना कावा ठीक है समझ आ गया डन अब तुम ये देखो बेटा जो सुपीरियर वेना कावा है और इंफीरियर वेना कावा है इट ओपन इन टू द राइट एट्रियम ठीक है और यहां पे अगर आपको एक छोटा सा डिप्रेशन दिख रहा होगा अगर आप चाहें तो इसको लेबल कर सकते हैं बेटा ये एक वैल्व है जिसके थ्रू इंफीरियर वेना कावा यहां पे खुलता है इस वैल्व को हम कहते हैं युस्टाचियन वैल्व। युस्टाचियन वैल्व। इसको क्या हम क्या कहते हैं बेटा यूस्टैचियन वैल्व आपको मैं बेटा ये बता दूं कि आपके राइट एट्रियम में तीन ओपनिंग्स होती हैं एक है आपकी सुपीरियर वेना काबा की एक है आपकी इंफीरियर वेना काबा की एक और यहां पे ओपनिंग होती है जो कि होती है कोरोनरी साइनस की जो कोरोनरी आर्टरी है जो कि ब्लड देती है हार्ट मसल्स को वो भी यहीं खुलती है ठीक है तो उसका भी एक वैल्व होता है अगर आप चाहें तो उसका भी नाम लिख सकते हैं जिसका नाम है थिबेसियन वैल्व जिसका नाम होता है थिबेसियन वैल्व ठीक है अच्छा कोई कौन मुझे बताएगा दैट वॉट इज द एक्चुअल फंक्शन ऑफ द वैल्व वेल्व का फंक्शन क्या होता है हाँ. valve का actual function क्या होता है बताओ क्या फंक्शन होता है बैक फ्लो द्रेट हाँ ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए टू प्रिवेंट द बैक फ्लो अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं तो ब्लड की ब्लड का बैक फ्लो को रोकना तो ये तीनों बैल्व जो हैं बेटा मैंने आपको यहाँ पे ऐड कर दिए ठीक है वेरी गुड अब यहां पे बैक फ्लो जो है ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में जाने के लिए हमें जो है जरूरत होती है सबसे पहले बैल्व जब ब्लड ऑरिकल से एट्रिया से बेटा वेंट्रिकल्स में जाता है तो हमको सबसे ज्यादा जरूरत होती है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकने की ठीक है अब तुम देखो इसमें यहां पे दिस इज योर ऑरिकल एट्रियम है ये आपका वेंट्रिकल है यहां पे आपका एक वैल्व प्रेजेंट होगा इस वैल्व को हम क्या कहेंगे वट डू वी कॉल दिस वैल्व अगर ये राइट साइड पे प्रेजेंट है ना बेटा तो इसको हम कहेंगे इट इज अ ट्राई कस्पिड वैल्व ट्राइकस्पिड वाल्व ठीक है और ये अगर आपका लेफ्ट की ओर प्रेजेंट है बेटा तो इसको हम लोग कहेंगे बाईकस्पिड या मिट्रल वाल्व बाईकस्पिड या मिट्रल वाल्व ठीक है समझ आ गया तो ये फर्क हो गया ये फर्क हो गया इनमें इस पे इतने हजारों क्वेश्चंस आए हैं कि भाई ये जो आपका ट्राइकस्पिड वाल्व है ये राइट की तरफ प्रेजेंट है कि लेफ्ट की तरफ प्रेजेंट है क्वेश्चन इतना सिंपल होता है लेकिन बच्चों को नहीं आता क्यों पढ़ा नहीं होता है इतना आसान लगता है तो सोचेंगे इससे तो क्वेश्चन क्या ही आता है समझ आ गया तुमको तो ऐसे याद रखना है थोड़ा मेमोनिक बना लेना जो सही होता है ना हमेशा उसको ज्यादा ही मिलता है भगवान उसको ज्यादा ही देता है सही वाले को तो इसके पास तीन फ्लैप्स हुए ट्राई और जो लेफ्ट वाला है उसके पास दो ही फ्लैप हुए बाइकस्पिड याद हो गया भूलेगा भी नहीं कभी भी राइट को हमेशा ज़्यादा मिलेगा और इसको भूलेगा ही नहीं कभी भी हमको तो इसी से मतलब है याद हो जाए बस ठीक है ना सो so, दो ऑरिकल दो वेंट्रिकल दोनों के बीच में सेप्टम है सेप्टम होती है सेपरेशन वॉल जैसी लेकिन उसके बीच में एक दरवाजा भी है वो दरवाजा इज योर वैल्व इधर ट्राइकस्पिट, इधर वेरी गुड वेरी गुड चलो शाहर वैल्व कहते हैं क्या कहते हैं, सेमी कहते हैं. तो बेटा यहाँ पे देखिए सेमील्यूनर वैल्व आपके कहा प्रेजेंट होते हैं अब मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकती उसे मैं लिख देती हूं यहाँ पे सेमी सेमी का मतलब होता है आधा लूनर मतलब होता है चांद आधा चांद सेमिल्यूनर तो वैल्व जो बेटा आपके कहां प्रेजेंट होते हैं दो होते हैं एक होता है आपका पल्मनरी वैल्व एक होता है आपका आयोटिक वैल्व तो पल्मनरी जो होता है बेटा ये आपका प्रेजेंट होता है बिटवीन योर राइट ऑरिकल सॉरी राइट ऑरिकल नहीं राइट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल ठीक है राइट right वेंट्रिकल और आपके पल्मनरी uh, आर्टरी के बीच में ठीक है इसको ध्यान में रख लेना एंड आयोटिक वैल्व आपका प्रेजेंट होता है बेटा प्रेजेंट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल वेंट्रिकल लेफ्ट एंड के बीच में ठीक है डन हो गया तो ये हो गए आपके सेम्युनर वैल्स और आपके एवी वैल्स हैं वो तो आप इन्हें देख ही लिए एवी वैल्स मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर वैल्स जो हैं वो आपके कहां प्रेजेंट हुए वो आपके हैं दो तरीके के एक है आपके बाइक का स्पीड और एक है आपके ट्राइक स्पीड ये आप खुद लिखोगे अब इसको मैंने आपको बता दिया है कि ये प्रेजेंट होंगे ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल क्लियर हो गया डन हो गया बहुत ही बढ़िया इतना तक सबको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे इन्हीं वैल्स के थ्रू डन हो गया बेटा वेरी गुड अब यहां पे एक चलते हैं और नीट में एक क्वेश्चन आया था मुझे नहीं पता कि आई थिंक चार पाँच पाँच छह साल पहले क्वेश्चन आया था कॉडे टेंडनी पे कॉडे टेंडनी अगर आप यहां पे देख पा रहे हैं कॉडे टेंडनी लिखा हुआ देख पा रहे हैं आप यहां पे तो बेटा ये कॉडे टेंडनी क्या होता है मैं मिटा रही हूं उसको बिकॉज अभी मेरे पास जगह नहीं बची है अदरवाइज लिखने के लिए कॉडे टेंडनी बेटा क्या होते हैं आपके एवी वैल्व से निकलने वाली एक फाइब्रस टिश्यू है जैसे आपका ये एवी वैल्व है ना मैंने बताया था ना ये आपका ट्राइकस्पिड वैल्व है यहां से एक फाइब्रस कॉर्ड निकलती है विच आर एक्चुअली रिसीव्ड बाय द पैपिलरी मसल जो कि वेंट्रिकल से निकली होती है तो नीचे यहां पे आप एक और चीज को अंडरलाइन हाईलाइट uh, कर सकते हो या लेबल कर सकते हो पैपुलरी मसल्स तो ये बेटा जो है ना ये निकलती है वेंट्रिकल से ये वेंट्रिकल है ना एंड वेंट्रिकल से निकलती है और ये से जाके मिल जाती है राइट right? ये क्यों है इसका फंक्शन क्या है ताकि एवी वैल्व कोलैप्स ना करे एवी वैल्व क्या करे बेटा कोलैप्स ना करे है ना अब हो सकता है ना कि वो एकदम से बंद होते हैं एकदम से खुलते हैं तो कोलैप्स ना हो जाए इन दैट प्रोसेस सो इसके लिए एक सपोर्ट है ये बहुत है है ना क्वेश्चन शायद इस तरीके से आया था कि व्हाट हैपेंस इफ द इज रिमूव्ड देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा अदरवाइज मैं लेके आऊंगी अगली क्लास में हाँ हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही बात कोलैप्स ना हो जाए कोलैप्सिंग के बचाने के लिए ठीक है ना इसको वैसे कॉलम ने कारने भी कहते हैं कि कॉलम से बन जाते हैं यहाँ पे बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेट्स लीव इट बिहाइंड अब दो चीजें याद रखना कॉर्डिट एंडनी एंड पेपलरी मसल ठीक है बेटा डन हो गया इतना आई थिंक हमने यहां पे बहुत कर लिया है बाकी बेटा यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली है क्या yeah, आपने वैसे पढ़ा होता है आर्टरीज और वेन्स की डेफिनेशन आर्टरीज हैज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स हैव द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट ऐसा नहीं है एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द आर्टरीज इज द ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट

घुमाएगा ऐसे दैट ऑल द आर्टरीज एंड वेन्स फॉलो विच डेफिनेशन कौन सी डेफिनेशन सो आर्टरीज ए से आर्टरीज ठीक है ना ए एट से आर्टरीज ए से अवे फ्रॉम द हार्ट मेमोनिक्स <laughs> की तो बरमार है हमारे पास है ना बट so, एनी वे सो ए से आर्टरी ए से अवे फ्रॉम द हार्ट टेक्स द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट तो आयोटा से भी आर्टरीज जाती हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पल्मोनरी आर्टरी भी जाती है लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके यू गेट दैट दोनों केसेस में आर्टरीज आर गोइंग अवे फ्रॉम द हार्ट सिंपल ठीक है एंड इफ यू टॉक अबाउट हैंड दें बेटा वी से और व ब और व सो वीज ब्रिंग ब्लड टू द हार्ट ब्रिंग ब्लड टू द हार्ट अप्लाई करके देख लो इसको योर वेना कावाज द लार्जेस्ट आर्टरी लार्जेस्ट वेन्स वेनाकाज आर ब्रिंगिंग द ब्लड टू द हार्ट बट डी ऑक्सीजनेटेड योर पलमनरी वेन्स ऑल्सो आर ब्रिंगिंग द ब्लड टू द हार्ट बट ऑक्सीजनेटेड है 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 ये, ना? 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 याद 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 हो 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 गया? गया होना चाहिए बस, ऐसे कैसे यार 360 वैसे आके रहेंगे, चाहे जो जाए। बट रिविजन करना छोड़ना अगर तुम्हें रिविजन करना छोड़ दी ना फिर मैं गारंटी लूंगी गारंटी क्या मुझे बहुत बुरा लगेगा आई टाइम हाँ हाँ बडल पे बाद में आते हैं अभी रुक जा अभी रुक जा अभी ऐसे नोट की भी थोड़ी बात की है अभी ऐसे ऐसे है ठीक है समझ आ गया बेटा बटन हो गया ना हाँ अभी इसको क्लैरिटी हो गया इसको अगले अगले आने वाले दो तीन दिन में एक दो बार पढ़ जाना ठीक है ये हो जाएगा चलो अब हम चलते हैं ऐसे नोट पे बाद में आते हैं कोई बात नहीं लेकिन अब हम चलते हैं पीछे की तरफ अब एन में देखे भी तो सही लिखा क्या है

तो ये पेरीकार्डियम तक पहुंचे थे हम लोग एंड एट्रिया वेंट्रिकल्स ये भी हमने देख लिया अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर एट्रियल सेप्टम ये आपको सबको पता है एट्रिया लेफ्ट और राइट right के बीच में सेप्टम होगा मतलब वॉल होगी और वेंट्रिकल्स के बीच में भी सेप्टम होगा ठीक है तो यही यहां पे लिखा हुआ है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ठीक है ना और इंटर एट्रियल सेप्टम है क्लियर हो गया चलिए आगे चलते हैं

स्पीड एंड बाइक स्पीड ठीक है बाकी यहां इन्होंने लिखी हुई है ठीक है कहा जाते हैं हाँ अब बात करते हैं ऐसे नोट के बारे में अभी इतना सबको क्लियर है ना डन 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 मेरे बच्चे अगर स्पैम करने से नीट क्लियर हो जाता तो जितने बच्चे यहां पे बैठे हैं ना मैं सबको बोलती तुम स्पैम करो यहां पे स्पैम करो जितना मर्जी स्पैम तुम कर सकते हो उतना कर डालो रोज बैठ के स्पैम करो अगर हो जाता तो मैं खुद बैठ के स्पैम करती यहां पे है बेटा ऐसे नहीं करना है गलत तरीके नहीं उठाने हैं तुमने हाँ अटेंशन गेस करने के मैम को बिल्कुल पसंद नहीं है वो बिल्कुल पसंद नहीं है तुम बैठो आंसर दो यहां पे मैं कहती हूं मत आंसर दो कोई बात नहीं बट बैठ के देखो पढ़ो नोट्स बनाओ ठीक है बेटा स्पैमिंग हाँ, नहीं करनी बेटा हाँ, गलत बात गलत बात ठीक है हाँ, हाँ कितने घंटे अगर मैं बोलू सारी रात बैठोगे तो बैठोगे मेरे साथ मैं तो बैठने को तैयार हूं चलो अब बेटा एक क्वेश्चन है मेरा आपसे ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक आपने क्वेश्चन का आंसर देना है मायोजेनिक है ह्यूमन हार्ट या ह्यूमन हार्ट न्यूरोजेनिक है चलो शाबाश आपका ऑप्शन है ये ए और ये ऑप्शन है बी चलो शाबाश लिखो ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक जिसको थोड़ा लिखने में इतना प्रॉब्लम होती है ऐसे ढूंढते हो शाबाश बहुत, बहुत 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 ही बढ़िया ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक और एक बात याद रखना मेरी हमेशा बायोलॉजी में ना कहीं भी मायो वर्ड आया ना मायो है ना मायोलॉजी मायो इज ऑलवेज रिलेटेड मायो वर्ड का होता है, मतलब क्या कहता है? कि ह्यूमन हार्ट में कोई ऐसी मसल है जो खुद को एक्साइट करती है जिसकी वजह से हार्ट बीट करता है हमारा ऐसी कोई मसल है जो कि एक्शन पोटेंशियल्स पैदा करती है रिदम पैदा करती है और जिसकी वजह से हमारा दिल धड़कता है तो ऐसी कौन सी मसल हुई वो उस मसल का नाम है बेटा उस मसल का नाम है एस सा ए नोड साइनो एट्रियल नोड क्या नाम है उसका साइनो एट्रियल नोड ठीक है तो ये बेटा हमारा यहां पे लिखा हुआ है दिस इज योर साइनो एट्रियल नोड ये क्या है आपकी साइनो एट्रियल नोड है ये ये यहां पे ठीक है ये जो है यहां पे आपकी साइनो एट्रियल नोड है इट हैज द कैपेबिलिटी, या प्रॉपर्टी ऑफ ऑटो एक्साइटेबिलिटी खुद को खुद एक्साइट कर सकता है क्या आप मुझे मुझे बता सकते हो कि मिनट में कितने एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है कितनी रिदम जनरेट कर सकता है सोचो ऐसे नोड एक मिनट में कितनी रिदम जनरेट कर सकता है शाबाश, कितनी रिदम जनरेट कर सकता है एक मिनट में पेसमेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं एब्सोल्युटली करेक्ट मॉइस्सरत कहती मैम 82 तृप्ति कहती मैम 72 एंड आई विल हैव टू गो विद तृप्ति दिस टाइम 72 72 टू uh, 72 जो एक्शन पोटेंशियल है एक मिनट में दैट मींस आपका दिल एक मिनट में कम से कम 72 टाइम्स धड़कता है मतलब 72 एक्शन पोटेंशियल्स समझे मेरी बात को ठीक है ना जी बिल्कुल ये फिक्स नहीं होता है बिल्कुल सही बोल रहा है एथलीट्स में बहुत ज्यादा भी हो सकता है या किसी को हाइपर टेंशन उसमें भी ज्यादा हो सकता है बट नॉर्मली मेरे में और तुम में ये बहत्तर टाइम ज्यादा अस्सी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बेटा हम्म तो ये हो गया हमारा एससी नोड इसको हम कहते हैं पेस मेकर नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट ठीक है तो इसने इतने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके दे दिए तुमको अब यहां पे आपको पता है कार्डियक मसल्स है ना वो इस सारी इंपल्स को अपने साथ ले जाके पूरे के पूरे हार्ट मसल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ताकि हमारा जो हार्ट है एक साथ इक्वली जो है वो करे रिदम में क्या करे बीट करे धक 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 पॉज धक धक पॉज ऐसा तो नहीं है ना कि मेरा मेरे हार्ट बीट है धक 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 किसी की हार्ट बीट है धक धक किसी की हार्ट बीट धक धक पॉज सबकी जैसी है देखा है ना तुमने दैट मीन हम सब में एक ही जैसा सिस्टम फिट है ठीक है getting my point. धक धक पॉस. धक धक पॉज, पॉज, अभी देख लो कहाँ भी नहीं होता है इट इज लाइक एनी वेज बेटा यहाँ पे पूरे कार्डियक मसल्स में तो पूरे के पूरे हार्ट में मेरे बात को ध्यान से सुनना अगली बात में बहुत मॉडर्न बोलने जा रही हूँ सुनना आपको एवी नोड होने का रीजन पता चलेगा कि एवी नोड का होना क्यों जरूरी है सुनना मेरी बात को तो अभी हुआ ये कि पूरे के पूरे हार्ट में आपकी कार्डियक मसल्स हैं एक्सेप्ट फॉर द वन प्लेस अब यहां पे थोड़ा झोल हुआ क्या हुआ कि ये जो आपका ये वाला जो है ना स्पेस ये वाला ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच में ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो आपका स्पेस है यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट हैं वो मसल्स है ही नहीं वो फाइब्रस है, वो फाइबर्स हैं आपके फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट हो गया यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू तो हुआ यू बेटा जब यहाँ पे ऐसे नोड ने रिदम को जनरेट किया तो यहाँ पे आराम से चली गई राइट ऑरिकल से राइट ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल में आराम से चली गई लेकिन राइट right ऑरिकल से राइट right वेंट्रिकल में नहीं जा पाई ना ही लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा पाई डिड यू यू गेट दैट बिकॉज हैव द फाइबर आना पड़ा है ना तो इसको पेस सेटर ऑफ द हार्ट कहते हैं एवी नोड ये आपका है दूसरा नोड है जिसको हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड इसको हम पेस सेटर भी कहते हैं बेटा पेस सेटर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं कि पेस को सेट करता है राइट देन ये क्या करता है बेटा राइट ऑरिकल से रिसीव कर सॉरी ऐसे नोड से रिसीव करता है इम्पल को अपने में लेता है और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में यहां पे ले जाता है इसको हम कहते हैं प्रकिंजे फाइबर्स अब यहां पे क्या बन जाएगा प्रकिंजे फाइबर्स बन जाएगा ठीक है यहां पे ये रिदम आती है प्रकिंजे फाइबर्स सॉरी बंडल ऑफ हिस्स सॉरी 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 माई माई बैड हा माई बैड सो आईवी सेप्टम में आती है बेटा और इसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस क्या कहते हैं बेटा इसको बंडल ऑफ हिस कहते हैं ठीक है और ये जैसे ही बंडल ऑफ हिस्स जब यहां पर चली जाती है पूरे के पूरे हार्ट में इसको हम कहते हैं प्रोकिंजे फाइबर्स प्रोकिंजे फाइबर्स ठीक है तो इस तरीके से ये जो रिदम है पूरे हार्ट में चली जाती है जनरेट हो जाती है और हमारा हार्ट जो है वो एक ही रिदम में बीट करता है दग दग, तो ऐसे तो नोड नोड से से बेटा रिदम जनरेट हुई एवी नोड तक पहुंची एवी नोड ने इसको बंडल ऑफ हिस्स तक दिया और बंडल ऑफ हिस से ये चली गई प्रोकिनजे फाइबर्स में और लीजिए धक धक पॉज धक धक पॉज ठीक है ऐसे नोट हुए भी नोट टू बंडल ऑफ हिस्टोफोरकिनजे फाइबर्स देयर यू गो फाइब्रस टिश्यू देखो आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है अगर आप अच्छे से पढ़ो तो ये लिखा होता है एनसीईआरटी में आपके आप देखना यहाँ पे लिखा था एक मिनट देना हाँ मुझे मैंने अभी ओ, देखा था उसको हाँ, हां ये देखो ये देखो पे लिखा हुआ है देखो अगर आप अच्छे ध्यान से पढ़ो तो यहाँ सब कुछ लिखा होता है कहते हैं एनसीईआरटी को डी करना भी अपने आप में चैलेंज है ये ये देखो, देखो फिर चला जाता है है यार मुझसे ही जा रहा बार बार। एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड ऑरिकल और वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम तो एट्रियम और वेंट्रिकुलर में वेंट्रिकल में जो सेप्टम है वो फाइब्रस है बाकी हर जगह आपको कार्डियक मिलेगा ठीक है समझ में आ गया तो ये सब लिखा होता है यहाँ पे लेकिन हम तो देखते नहीं हैं हमको तो जल्दी है एनसीआरटी की जय हो बिल्कुल जय हो यार इतना तक सबको समझ में आ गया ना यार अब इसको कभी नहीं भूलना है कभी भी नहीं मतलब कभी भी नहीं कभी भी नहीं मतलब ठीक है ये एकदम कहानी वही लिखी हुई है जो हमने अभी मैंने तुमको सुनाई है वो सारी यहाँ लिखी हुई है जो मैंने आपको आ, कहानी मेरी जुबानी सुना दी है ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये ऐसे नोट के बारे में लिखा है कि कहाँ प्रेजेंट है राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम एवियन के बारे में बताया है क्लोज टू तो द एट्रियम एंट्रिकुलर सेप्टम ठीक है ना बंडल ऑफ हिस के बारे में बताया होगा इन्होंने ठीक है ना, विच पासिसप्टर टॉप ऑफ द इंटरवेंटिकुलर सेमीडिएटली डि राइट एंड द लेफ्ट बंडल, जिसको हम प्रोकिजे फाइबर्स कह देते हैं ठीक है ऑटो एक्साइटेबल है 70 टू 75 पर मिनट जो है वो एक्शनशियल जनरेट करता है इसीलिए हमारा जो हार्ट है सेवेंटी टू सेवेंटी टाइम्स पर मिनट जो है वो बीट करता है मैम आई एम नॉट फीलिंग वेल आई ऑल्सो एम नॉट फीलिंग वेल क्या करें फिर बताओ हो गया हो गया ना हाँ ठीक है ठीक है क्या टाइम हो गया क्या टाइम हो गया ओ भाई दस बज के छह मिनट हो गए दो मिनट का पॉज ले लें दो मिनट का पॉज ले लेते हैं है ना दो मिनट का पॉज है। ले लब डब लब डब लब डब यहाँ करेंगे ना ना कार्डिक साइकिल में तरीके से चल रहे हैं ना मैम फीवर आ रहा है चलो अच्छा ऐसे नॉर्मल ऐसे मजे, मजे, मजे करते हैं मजे बायोलॉजी के मजे करते हैं चलो सो so, बायोलॉजी के मजे हैं इस तरीके से ओह भाई एक तो डेढ़ घंटा खड़े होना भी एक तो चैलेंज है भाई साहब आ रही ना तो अच्छा अगर किसी को बुखार हो जाए तो उसको तुम एनर्जेसिक दोगे कि एंटीपायरेटिक दोगे किसी को बिखार भिखा, बिकार कर बिखार नहीं सॉरी बुखार हो जाए किसी को तो तुम उसको एनर्जेसिक दोगे या एंटीपायरेटिक दवाई दोगे शाबाश बताओ देखते हैं कितनों को पहले से पता है पैरासीटामोल देंगे अभी हट गरिमा हाँ उसको देंगे हम लोग एंटीपायरेटिक बहुत बढ़िया ये एक्चुअली मेडिकल मेडिकल बढ़ियालैंगे ना मेडिकल टर्म्स हैं, न, हैं तो आपको पता होना चाहिए एनर्जेसिक होगी आपकी पेन किलर ठीक है एंड एंटीपायरेटिक होगी आपकी बुखार नीचे करने मतलब पैरासिटामोल आप कह सकते हो कि एंटीपायरेटिक है एंड एनाल्जेसिक uh, uh, आपकी बहुत सारी हो सकती है जैसे मेरे को निमोस्लाइड एक पता है वो प्रॉपर एनाल्जेसिक है है ना अच्छा ठीक है और अच्छा किसी को नोजिया हो रहा हो अगर जैसे वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही हो तो उसको कौन सी दवाई दोगे तुम तो? मैं मारूंगी हाँ किसी को आपके पास कोई पेशेंट आता है उसको कोई नोजिया हो रहा है तो आप उसको कौन सी कैटेगरी वाली दवाई दोगे मैं ऑप्शन नहीं दूंगी देखो किसी को पता अगर तो हाँ सोचो सोचो किसी को वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही है नींबू देंगे मैं चांटा चाटा लगाऊंगी संतरे की गोली देंगे हाँ हाँ बिल्कुल नहीं मेडिकल टर्म बताओ मुझे एंटी हिस्टमिन नहीं हिस्टमीन हिस्टमीन हो रही है उसको। सोचो सोचो क्या दोगे उसको कैरी बैग दोगे, दोगे? दोगे हाँ हाँ वो दो कैरी बैग भी नींबू पानी देंगे हाँ, 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 उसको तुम दोगे एंटाइमेटिक एंटाइमेटिक ए एन टी आई एम ई टी आई सी तो ये एंटी नोजियल होती है ये ठीक है अगर किसी को वॉमिटिंग का मन कर रहा हो तो उसको तुम एंटाइमेटिक देंगे एंटी वामिटिंग यस एंटाइमेटिक है ना एंटा ए एन टी आई हाँ एम ई टी आई सी थोड़ा बहुत स्पेलिंग में उधर हो सकता है एंटाइमेटिक कहते हैं उसको ठीक है हाँ एंटाइमेटिक्स हाँ नोट कर लो उसको और किसी को लूज मोशन हो रहे हो तो किसी को लूज मोशन हो हो क्या दोगे उसको हम्म हाँ अरे एंटी डायर, एंटी डायरियल एंटी डायरियल डायर हो जाएगी एंटी डायरियल हो गई वो है ना एक एक, एक एंटी डायरियल डायरियल का नाम है रोको

है ना मायोकार्डियल इन्फॉक्शन का केस है पता ही होगा अभी तक आपको ड्रॉपर्स को पता होगा जो लोग प्रेशर ना बताओ मायोकार्डियल इनफॉक्शन हार्ट अटैक होता है आ, उस पेशेंट को हॉस्पिटल लेके गए उसको ना एक दवाई देते हैं सबसे पहले सर्जरी से पहले ताकि क्लॉट वगैरह अगर उसकी कोई भी बॉडी में हो कहीं भी आर्टरी वाटरी में तो रिमूव हो जाए उस दवाई का क्या नाम होता है कौन सी कैटेगरी में जाती है वो क्या बात है क्या बात है वेरी गुड वेरी गुड क्या बात है वही हमारे कितने बच्चे हैं यहाँ पे बहुत ही हीस देते हैं इसको ये आपके उस में है uh, microbes in human welfare. Microbes in human welfare. देते हैं उसको है ना माइक आर्डल इनफॉक्शन के प्रीवियसअर क्वेश्चन प्रिवियसअर क्वेश्चन है ये hmm? Hmm. माइक्रोब्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन को रिलेट अभी ये इंटीग्रेट हो गया ना यहाँ पे क्वेश्चन ये दोनों का कंबाइन हो गया क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं ठीक है तो ऐसा हाँ बहुत बढ़िया बहुत भी बढ़िया और अब हम बनाते हैं एक गोला एक गोला बनाते हैं बेटा आ जाओ एक बनाते हैं राउंड ठीक है और इस राउंड के हम कर देते हैं ऐसे करके तीन पार्ट कर देते हैं ये ठीक है और इसको मैंने लिख दिया पॉइंट वन सेकेंड पॉइंट थ्री सेकेंड पॉइंट फोर सेकेंड ये पॉइंट वन सेकेंड वाला क्या होगा बताओ तो पॉइंट वन सेकेंड वाला क्या होगा पॉइंट वन सेकेंड वाला होगा हमारा एट्रियल सिस्टोल ठीक है पॉइंट थ्री सेकेंड वाला क्या होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल ठीक है और पॉइंट फोर सेकेंड वाला क्या होगा जॉइंट डायस्टोल ठीक है समझ आ गया सबको इतना दो आ गया होगा सबको है ना सिस्टोल का मतलब क्या है सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन है ना डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन डायमीटर डायस्टोल मतलब रिलैक्स हो जाओ एकदम राइट right? ठीक है हाँ जी तो ये है बेटा आपका रिलैक्सेशन पीरियड और ये है कॉन्ट्रैक्शन और ये भी है कॉन्ट्रैक्शन नाम में लिखा हुआ है किसकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है एट्रिया की यहाँ वेंट्रिकल्स की यहाँ जॉइंट डायस्टोल लिखा है मतलब सारे ही हार्ट के मसल्स जो हैं बेटा वो क्या कर रहे हैं रिलैक्स कर रहे हैं ठीक है चलिए बहुत बढ़िया अब चलते हैं आपकी इसमें बुक में सब कुछ लिखा हुआ है इसको अंडरलाइन करने की कोशिश करते हैं आपकी कहानी शुरू होती है डायस्टोल से आपकी बुक जो कहानी शुरू करती है वो करती है आपकी ज्वाइंट डाइस्ट्रोल से ठीक है अब देखो टू बिगिन विद ऑल द फोर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर इन अ रिलैक्स स्टेट ठीक है दैट इज दे आर इन द ज्वाइंट डायस्ट्रोल आपकी कहानी शुरू हो गई ज्वाइंट डायस्ट्रोल की कहता है सारा कुछ रिलैक्स स्टेट में है इस वक्त पे और क्या हो रहा है

राइट ट्री में डाल रही है दोनों से ब्लड जो है वो नीचे जा रहा है किसमें बेटा आपके राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में short, वेंट्रिकल में इन शॉर्ट से वेंट्रिकल्स ब्लड जा रहा है एक तरफ डी है एक तरफ ऑक्सीजनेटेड है एज सिंपल एज दैट ठीक है यही हो रहा है यहां पे ये यह देखो इनटू द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड द राइट एट्रिया मतलब ऑरिकल से ब्लड जा रहा है वेंट्रिकल्स में ठीक है और ब्लड आपके सेमिल्यूनार वेल्स बंद हैं लेकिन एवी वेल्स आपके खुले हैं यहां पे लिखा हुआ है ठीक है चलिए सेमिल्यूनार वेल्स एट दिस स्टेज तो चलिए यहां तक हो गया आपका ज्वाइंट डायस्ट्रोल की कहानी ये खत्म हो गई यहां इसकी कहानी अब कहानी आती है आपकी एट्रियल सिस्टोल की अब एट्रियल सिस्टोल में ऐसा क्या हुआ अब बेटा आपका जो एसे नोड है अब विल नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा कॉन्ट्रैक्शन दोनों ही एट्रिया में होगी, इसीलिए तो बोला। पॉइंट फोर सेकेंड चलेगा ठीक है तो देखो दिस इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ द ब्लड इन टू द वेंट्रिकल्स बाय थर्टी परसेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है पहले भी Oracle से वेंट्रिकल्स में ब्लड जा रहा था लेकिन अब थर्टी परसेंट और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा वो ठीक है अच्छा बंडल ऑफ हिस्स ट्रांसमिट्स थ्रू मतलब ये पूरे के पूरे आपके एट्रिया को क्या करेगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा बेसिकली कहने का भाव है ये ठीक है तो अब देखो बेटा अब मेरी बात ध्यान से सुनना सुन रहे हैं सब लोग ध्यान से सुनना एवी वैल्व यहां ओपन थे सुनते जाना एवी वैल्व यहां भी ओपन है एवी वैल्व यहां भी ओपन एवी मतलब दोनों दोनों यहां भी ओपन थे लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया यहां पे जब एवी वैल्व शट क्लोज एवी वैल्व शट क्लोज ये जब एट्रियल सिस्टोल का एंड हो रहा होता है तो एवी वैल्व जो है एकदम से क्लोज होते हैं द फर्स्ट हार्ट साउंड क्या है फर्स्ट हार्ट साउंड का नाम लब क्या है बेटा फर्स्ट फर्स्ट हार्ट हार्ट साउंड साउंड का नाम लब लब तो आपका first heart sound आता है बाय द क्लोजर ऑफ द एवी वैल्व एट द एंड ऑफ द एट्रियल सिस्टोल यू गेट दैट समझ आ गया तो एवी वैल्स यहां भी खुले थे इसमें भी खुले थे लेकिन यहां आके क्लोज हो जाते हैं क्लियर है सबको डन द फर्स्ट हार्ट साउंड चलिए आगे चलते हैं अब चलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल की तरफ अब एवी एवी नोड ने अब एसई नोड ने अपना काम कर दिया एसई नोड ने एट्रिया को एक्साइट किया था एवी नोड अब आपके वेंट्रिकल तक लेके जाएगा याद है ना पुरकिंजे बंडल ऑफ हिज पुरकिंजे फाइबर्स अब एवी नोड अपना काम कर रहा है वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर के लिए ठीक है अब क्या होगा वेंट्रिकुलर मसलज का वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड द एट्रिया विल अंडरगो द रिलैक्सेशन अच्छा एक बात आपने ध्यान में रखनी है व्हेन एट्रिया आर कॉन्ट्रैक्टिंग वेंट्रिकल्स आर रिलैक्सिंग उल्टा है ना लेकिन जब वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग एट्रिया इज एट रेस्ट समझ आ गया सबको डन ठीक है तो यहां पे ये कहानी हुई कि एवी वाल्व्स जो हैं उन्होंने अपना अपना काम किया फिर वो बंद हो गए अब जो है ये है। अब वेंट्रिकल्स करेंगे करेंगे जैसे ही करेंगे, तो मुझे पे लिख के बताओ जरा लेफ्ट वेंट्रिकल विल सेंड द ब्लड इन टू लेफ्ट वेंट्रिकल जो है बेटा वो ब्लड में भेजेगा अपना लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड में भेजेगा अपना चलो शाबाश जल्दी बताओ गो 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 शाबाश शाब लेफ्ट वेंट्रिकल विल सेंड द ब्लड इन टू हा अच्छा तुम्हें यही नहीं आता है तब तो बड़ी प्रॉब्लम होगी यार ये नहीं ब्लड फ्लो नहीं आता कितने लोगों को ब्लड फ्लो पता है कि ब्लड फ्लो कैसा होता है हार्ट में आयोटा में वेरी गुड वेरी गुड आयोटा में होता है बहुत बढ़िया आयोटा में कितने लोगों को यहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं आता है सर बताना ब्लड फ्लो मतलब कि हार्ट में कहाँ से कहाँ ब्लड जाता है यस और नो में जवाब दो नहीं आता तो मैं बना दूँगी आपको फ्लू चार्ट कोई दिक्कत नहीं है आयोटा यस और नो ब्लड फ्लो हार्ट में कैसे होता है कितने को आता है ये ऑलरेडी नो नो यस मैम यस यस और नो अगर आता है तो यस yes, नहीं आता तो नो मी जस्ट सी हियर यस मैम आयोटा आयोटा नो यस 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 आता है आता है अच्छा फिफ्टी फिफ्टी का रेशो है अगर यही नहीं आता तो क्या खाक समझ में आ रहा होगा कार्डिय साइकिल तुम्हारे को कहाँ साइक, कार्डिय साइकिल समझ में आ रहा होगा फिर तो <laughs> इस कार्डियक साइकिल समझ आने के लिए तो ब्लड फ्लो आना बहुत जरूरी है hmm. <laughs> <laughs> कोई बात नहीं अभी खाली इतना याद रखो कि ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में ब्लड जा रहा है ठीक है मैं बनाती हूँ उसका फ्रूट भी बनाती हूँ ओरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है बेटा और जैसे ही ओरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड गया आपके पहला वाल्व जो है वो क्लोज हो गया अब जैसे वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो बाहर जाएगा आपके दो वेंट्रिकल्स हैं एक वेंट्रिकल आपका भेजेगा आयोटा में जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है और जो आपका राइट वेंट्रिकल है बेटा वो भेजेगा आपका पल्मनरी आर्टरी में जब यह काम हो जाएगा तो आपको पता है यहां पर सेमिल्यूनर वैल्व प्रेजेंट होते हैं और वो क्या हो जाएंगे इधर इस पॉइंट पे दे विल शट क्लोज इस पॉइंट पे बेटा द सेमिल्यूनर वैल्व जो है वे क्लोज हो जाएंगे यहां सेमिल्यूनर वेल्व ओपन होते हैं यहां खुले होते हैं क्यों ब्लड ने जाना है लेफ्ट से आयोटा में जाना है पल्मोनरी आर्टरी में जाना है ठीक है लेकिन यहां पर सेमिल्यूनर वेल्व क्लोज हो जाते हैं एंड सेकंड हार्ट साउंड डब लव्ड अप पॉज लव्ड डब पॉज लव्ड डब पॉज हाँ, तो यहां पे बेटा सिमिलर ना वाल्व आपके क्लोज हो गए द सेकंड हार्ट साउंड गाइस दैट इज योर डब तो कैसा होता है लव डब पॉज धक धक पॉज धक धक पॉज है ना धक धक पॉज ईसीजी भी पढ़ेंगे ना अभी आप ये धक धक पॉज तो लव डब पॉज आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में क्वेश्चन आपको आते हैं द फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ डैश है ना द द हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ डैश समझ में आ गया द फर्स्ट हार्ट साउंड बाय द क्लोजर ऑफ एवी वैल्व द सेकेंड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ सेमी सेमीलूनार वैल्व समझ में आ गया सबको दैट्स इट ठीक है और जैसे ही ये काम हो जाता है तो सारे के सारे हार्ट मसल जो है रिलैक्स होने लग जाते हैं और एवी वैल्व जो है वो दोबारा खुल जाते हैं जो यहाँ पे बंद हुए होते हैं एवी वैल्व यहां बंद हुए थे ना अब यहाँ पे दोबारा खुल जाएंगे ठीक है मिस सेमिल्स को ज्यादा एक्सप्लेन कीजिए तो बेटा ये आपका कार्डियक साइकिल है मैं करती हूँ अब सुनो ये जो कार्डियक साइकिल है बेटा आपका इसका टोटल ड्यूरेशन होता है पॉइंट एट सेकेंड का ठीक है That means पूरे एक मिनट में आपके कितने कार्डियक साइकल्स होंगे अक्षत रुक जा थोड़ी देर अगर पॉइंट एट सेकेंड का एक कार्डियक साइकिल है तो एक मिनट में कितने कार्डियक साइकिल होंगे सोचो जरा मल्टीप्लाई करो अराउंड अराउंड सेवनटी टू कार्डिक बिकॉज आपका दिल सेवेंटी टू टाइम्स धड़कता है तो so, सेवेंटी टू कार्डिक साइकिल Cycle, मतलब एक हार्टबीट इस, इसको कहते हैं लब डब पॉज एक हार्ट बीट लब डब पॉज लब डब पॉज एक दिन एक एक दिन कह रही एक मिनट में कितनी बार धड़कता है सेवेंटी टू टाइम्स तो सेवेंटी टू कार्डिय साइकिल्स यू गेट दैट राइट चलो समझ आ गया तो ये है आपका बेटा ब्लड फ्लो इन द हार्ट इस तरीके से आपका जो ब्लड है वो इस तरीके से जाता है तो वेना कावा वेना कावा से राइट ऑरिकल राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल से पलनरी आर्टरी पलनरी आर्टरी से लंग्स लंग्स से पलनरी वेम्स पलनरी वेन्म्स से आपका लेफ्ट ऑरिकल Left से लेफ्ट से aota, aota से बॉडी पार्ट हो जाता है और फिर से आ जाता है है में ठीक अब यहां पे प्लेस कर लो अपने एवी आपकाल एवी और वो होंगे पता ही है right राइट वेंट्रिकल right के बीच में कौन सा वैल्व प्रेजेंट होगा यहाँ पे आपको पता है That is your tricuspid valve. Tricuspid valve present है लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाईक लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में सेमील्यूनार वाल्व, ठीक है राइट वेंट्रिकल और पलमरी आर्टरी के बीच में सेमील्यूनार वाल्व, लो प्रॉब्लम सॉल्व सब कुछ सॉल्व अब इस हाँ इसके 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 ज्यादा सिंप्लीफाई और कोई नहीं कर सकता है इसको दैट इज इट ये आपका ब्लड फ्लो है अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको कार्डिक साइकिल भी समझ में आ जाएगा ठीक है ना हम्म समझ में आ गया सबको डन है वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया तो ये बेटा सारी कहानी हो गई कार्डियक साइकिल की क्या टाइम हो रहा है अभी ओ बाप रे खत्म 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 ही करते हैं वैसे इसको मतलब एज इन की आप खत्म कर देते हैं और आ, आगे जाते हैं एक बस मुझे आपको एक चीज बतानी थी ये आप हाँ सब हमने पढ़ लिया है ये जो मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया यू विल रीड इट यू विल गेट टू नो दैट व्हाट इज इट रिटर्न है न? कार्डियक आउटपुट हाँ एक्चुअली कार्डिक आउटपुट तो मैं आपको एक फॉर्मूला दे देती हूँ फॉर्मूला दे, दे देती हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग अ कार्डियक कार्डियक साइकिल साइकिल ड्यूरिंग अ ईच वेंट्रिकल कार्डियल अप्रोक्सिमेटली सेवेंटी एम एल ऑफ द ब्लड ठीक है ना तो कितना है आपका इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम इसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम दिस स्ट्रोक वॉल्यूम इज मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट ठीक है ना हार्ट रेट नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट जो कि आपके 72 है तो इट इज इक्वल्स टू कार्डियक आउटपुट कार्डियक आउटपुट तो ये कार्डियक आउटपुट जो है आपकी कितनी आती है भाई कार्डियक आउटपुट कितनी आती है आपकी कार्डियक आउटपुट कार्डियउटपुट गिवज कार्डिकोर इट कम्स आउट टू बी फाइव लीटर इतना ही तो ब्लड है हमारी बॉडी में फाइव जीरो फोर जीरो सो इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली फाइव लीटर्स एक मिनट में इतना ब्लड है देखो ये एथलीट्स में बहुत ज्यादा हो सकती है एथलीट्स में ये बीस बीस लीटर भी होती है इतना वो जो मैराथन वगैरह भागते हैं ना उनमें इतने इतने ज्यादा उनकी बॉडी इसलिए ट्रेन हो जाती है राइट तो इट डिफर है ना डिफर होती है आ, इसको इसको ध्यान में देना है जो आप दो हार्ट साउंड हो आप उसको किससे सुन सकते हो स्टेटोस्कोप से सुन सकते हो लब और डब जो है आपकी दो साउंड्स हैं लब और डब ठीक है डन राइट चलो क्वेश्चन सॉल्व करें अब क्वेश्चन सॉल्व करें क्वेश्चन सॉल्व करें वाइड डिफर्स अरे उसमें उनका हार्ट रेट कितना ज्यादा हो जाता तुम ये भी तो देखो ना हार्ट बीट क्या है एथलीट की हार्ट बीट बना हाँ वो देखना तुम उसको तुम्हें आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा चलो यार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये ईसीजी हम कब अगली क्लास में करेंगे अगली क्लास में इसको खत्म कर देंगे छोटा थो, सा बचा है चलो क्विज टाइम अस जस्ट हैव द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय

आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट इज इक्वल्स टू कार्डिक आउटपुट आपको दो चीजें दी हुई है इसमें आपको एक चीज निकालनी है हाँ आर यू श्योर फाइव लीटर अगर कार्डिक आउटपुट है तो क्या होगा इसका आंसर हंड्रेड बीट्स पर मिनट होंगी ब्लड वॉल्यूम इन द वेंटिकल एंड द राइस इज हंड्रेड एम एंड द वेंटिकल सिस्टोल इज फिफ्टी एम तो हमें तो सिस्टोल का देखना था एंडक्ट आंसर इज हंड्रेड बीट्स पर मिनट आई एम श्योर तुमने सोल्व कर लिया होगा उसका सब बच्चे सही आंसर लिख रहे हैं बहुत ही बढ़िया हंड्रेड बीट्स वेरी गुड वेरी गुड फॉर्मूला पता है ना आपको फॉर्मूला कार्डियका हाँ, ये भी बताया हुआ बेटा जिसको सोल्यूशन भी दिया है कार्डिय का आउटपुट जो है इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इन टू हार्ट रेट तो देख लो इसमें है ना स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है अमाउंट ऑफ द ब्लड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इच्रिकुलर मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल तो यह दिया हुआ यहाँ पे

प्लस चार्ज बाहर है माइनस चार्ज अंदर है मेम्ब्रेन के डीपोलाइजेशन मतलब उथल पुथल हो गई माइनस प्लस चार्ज ऊपर नीचे चले गए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज ब्लड प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी में कैसा होता है शाबाश 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 मोर देन दैट ऑफ द कैरोटिड पल्मोनरी वेन लेस देन अभी हम इसको हम पढ़ा नहीं है बट स्टिल आई जस्ट वांट टू सी कि कितने बच्चों ऑलरेडी आता है ये बी हैोसरत कैदी मैम बी है शेख अल्तमाश वक्ता मैम बी है अनुष्का कहती मैम बी है बी इज अ करेक्ट आंसर मोर देनरी वैसे भी प्रेशर जो है वो कम होता है बिकॉज उनका ल्यूमन जो है वो लार्ज होता है आर्टरीज में होता है बेटा आर्टरीज का जो ल्यूमन होता है वो नैरो होता है ठीक है ना अगर ल्यूमन कम है तो प्रेशर ज्यादा है बिकॉज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम है वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा है ऐसा डॉक्टर्स यूज़ टू द साउंड्स ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। द सेकंड साउंड ऑफ द हार्ट कब आती है बताओ शाबाश शाबाश शबाश अरे वाह आज तो भाई कॉन्फिडेंस देखने वाला है इसमें मैम ऐसे क्वेश्चन हमारा तुमने तो और लाओ एग्जैक्टली exactly, क्या बात है चैट बॉक्स की जो स्पीड हो गई है ना एकदम से वाह डी डी करेक्ट आंसर अरे बाप रे करेक्ट आंसर बेटा बहुत ही बढ़िया ठीक है इज योर डी ऑक्सीटेड ब्लड एक्सेप्ट फॉर ऑलवेज कैरी डी ब्लड एक्सेप्ट फॉर शबर ए दैट इज योर पल्मोनरी वेन क्या बात है अभी अभी हमने बात की थी इसका क्वेश्चन तो वहां से सही नहीं दोगे तो भैया प्रॉब्लम हो जाएगी थैंक यू वेरी मच गाइस थैंक यू सो मच थैंक यू आइंक यू लाइव जुड़े रहने के लिए बहुत 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 सबकी हिम्मत के लिए तालियां वही सबसे डेढ़ घंटा जो लोग बैठे हैं सच में भाई मैम की तरफ से उनके लिए तालियां हो जाए सच में हार्ट सॉफ्ट टू यू हार्ट सॉफ्ट टू विल पावर एंड मे 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 दिस 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 ग्रो मोर माई ब्लेसिंग्स टू यू बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जाने से पहले बेटा क्रैश कोर्स के बारे में आपको बता दूं मैं कि वेदांतों के वेब प्लेटफॉर्म पे क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है अब आप तो आपको पता लग गया है कि जुलाई में आपका पेपर जो है वो हो ही जाना है राइट तो आपके पास सीधे सीधे कितने महीने बचे हैं अगर हमने कैलकुलेट करें तो फैब को जाने दो मार्च अप्रैल मे और जून ठीक है चार महीने हैं जिसमें से अगर आप नीट 2022 के रेगुलर बच्चे हो जिसने सीबीएसई भी देनी है तो मैं कहती हूं दो महीने हटा दो क्योंकि तुम्हारा वहां भी टाइम जाएगा ठीक है तो आपके पास खाली दो महीने हैं अगर तो, तो तुम्हारी ग्यारहवीं की पढ़ाई हो गई है पहले तो तो फिर ठीक है तो फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो लेकिन अगर तुम्हारी ग्यारहवीं की पढ़ाई अभी नहीं हुई है तो चुपचाप जाके इस कोर्स में बैठ जाओ आपको पता क्या है एक्चुअली इस में इसमें बहुत ही स्ट्रक्चर्ड स्टडी है 120 लाइव सेशंस में तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे और तुम वहां पे कुछ टोकन अमाउंट ऑफ मनी डालोगे तो तुम्हारी वहाँ पे भी बनेगी अब यहां तुमने देखा ना? जब हुआ था, तो 300 के बच्चा बैठा था फिर 200 फिर अब किसना है ना मैक्सिम टू तो मैक्सिम टू तो हंड्रेड तक चला जाता है वो बच्चे कहा गए डेडिकेशन नहीं है ना ठीक है ना कहीं भी ऐसा लगता है तो देर मत करना ठीक है है ये लास्ट मार्च एंड तक आपका जो है ये कोर्स कंप्लीट करके आपको दे देंगे विद योर डाउट सोल्व डाउट सॉल्विंग एवरीथिंग ठीक है सो देर नहीं करना है बेटा ये हमारे रिजल्ट्स हैं जो कि प्रोड्यूस हुए हैं लिंक इस क्रैश कोर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है कूपन कोड आपने लगा देना है एम एस नीट और आपको इसमें वन थाउजेंड का डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है जाके यहां पे फटाफट इसमें बैठ जाओ अब लेट मत करना ठीक है क्रैश कोर्स की फैकल्टी क्या है उसका यू uh, नो you know, कैसा उसका स्ट्रक्चर है स्टडीज का डोंट वरी अबाउट दैट आई पर्सनली हैव सीन दैट एंड इवन आई ऑल्सो एम गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द क्रैश कोर्स मैं भी उस क्रैश कोर्स को पढ़ाना शुरू कर रही हूँ इसी वीकेंड uh, से ठीक है मंडे से नया बैच बैठ रहा है जाके बैठ जाओ फटाफट फड़ से फटाफट फड़ से बैच में बैठ जाओ जाके जा अब लेट मत करो बेटा ठीक है वहां एक फर्क क्या है क्रैश कोर्स यहां भी चल रहा है एक तो कमिटमेंट और दूसरा लाइव इंटरक्शन ठीक है और सीबीएसई है, तो इस है, है इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है ठीक है चलो बेटा थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर बींगर एंड मेक द वाइज डिसीजन एंड आई विल सी यू गाइज टूमोरो नौ बजे आ जाना हम करेंगे धुआंधार प्रैक्टिस अपने पी वाई क्यूज लास्ट पंद्रह साल के फिफ्टीन ईयर पी वाई क्यूज इन वन शॉट है ना द बिगेस्ट रिवीजन ऑफ द ऑल कम टूमोरो वी विल रॉक द टुमारो सेशन ओके थैंक यू वेरी मच गाइज थैंक यू सो मच एंड अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर सकते हो नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ठीक है बाय